जय हिंद दोस्तों, मैं मधुर शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस एनालिसिस इंडिया में। आज हम बात करेंगे क्या भारत F-22 को खरीद सकता है, जबकि इजराइल इसको खरीदने के लिए तैयार हो चुका है और अमेरिका ने उसको पेश भी कर दिया है। तो क्या भारत भी F-22 की ओर बढ़ने जा रहा है या नहीं, हम आपको इस वीडियो में सारे कारण बताएंगे कि क्यों भारत F-22 को नहीं खरीदने वाला है। दोस्तों, हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया कि भारत किसी भी हाल में F-22 को नहीं खरीदेगा। उसके जो जो कारण हैं हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो में अंत तक। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जो कारण नंबर वन निकल के आता है वो आता है इसकी कॉस्ट को लेकर। दोस्तों, इसकी खाली एक एयरक्राफ्ट की कॉस्ट $250 बिलियन, जिसमें तकरीबन हम 3 F-35 खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, हम एक F-22 के लिए 3 F-35 को कुर्बान नहीं करने जाएंगे। अगर हम भारत खरीदेगा ही तो F-35 खरीद लेगा उससे अच्छा, तो क्योंकि वो एक के प्राइस में भारत 3 खरीद सकता है ना। और जो दूसरी बात है वो आती है भारत के एम कप। तो दोस्तों, भारत खुद का फाइटर जेट एम कप बना रहा है, जो कि 5.5 जनरेशन का, जो कि काफ़ी सारी आप कह सकते हो अपने जो इक्विपमेंट्स वगैरह जो उसके एवियोनिक्स होंगे वो F-22 से भी बेहतर होने वाले हैं। तो दोस्तों, दूसरा कारण ये था कि भारत F-22 को नहीं खरीदने वाला है। बात कर ली जाए तीसरे कारण की, तो तीसरा कारण आता है दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ इसकी टाइमलाइन को लेकर। जो इसकी टाइमलाइन आएगी, अगर भारत आज भी इसका बिल पेश कर दे तो तकरीबन भारत को अब से 6 से 7 साल लग ही जाएंगे इस फाइटर जेट को मिलने में। और अगर हम एमका के टाइमलाइन देखें तो वो भी हमको तकरीबन 8 या 9 साल में मिल जाएगा। तो हम 7-8 में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं दोस्तों, 1 साल पहले हम F-22 को लेंगे जबकि हमारा F-22 से बेहतर एमका बनने जा रहा है। तो दोस्तों, यह सभी वह कारण थे जो ये साफ संकेत देते हैं कि भारत कभी भी F-22 को नहीं खरीदेगा। हाँ, F-35 को जरूर खरीद सकता है अगर वो जल्दी मिल जाए तो। और रही बात F-35 की, क्योंकि इसकी कॉस्ट काफ़ी अच्छी है तो इसको खरीद भी सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम दोस्तों इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।